हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टैक्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने पीएफ में केवाईसी कैसे अपडेट करें। पीएफ में केवाईसी अपडेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना केवाईसी के कोई भी आप ऑनलाइन क्लेम पीएफ का पार्शियल या फुल क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए आपकी केवाईसी ज़रूर अपडेट होनी चाहिए यूएन पोर्टल पर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी केवाईसी अपडेट करनी पड़ेगी। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल टैक्सिंग नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और क्या कहते हैं इस बेल पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई हमारी नई वीडियो आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। और चलिए हम बात करते हैं कि यूएन को कैसे, अब यूएन में अपनी केवाईसी कैसे अपडेट करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके ईपीएफओ लिखना होगा। ईपीएफओ लिखते ही जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर ये यूएन ये टैब्स खुल जाएंगे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर जाके आप यूएन पे क्लिक करेंगे। यूएन पे क्लिक करते ही आपको क्या कहते हैं ये यूएन का पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपको ये यूएन नंबर मांगेगा। यहाँ पर अपना आप यूएन नंबर टाइप कर दीजिए। यूएन नंबर टाइप करने के बाद पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद ये कैचेस आ रहे हैं ZXB3Z, इसे टाइप करके यहाँ साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन हो जाने के बाद साइन कुछ एरर हो गया है, इसमें आप अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद इसमें कैचेस डालने होते हैं, ये कैचेस डाल दीजिए 27 और ये फिर साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद आपके ये प्रिंट लॉगिन हो जाएगा, इसमें आपकी पर्सनल सारी डिटेल दिखाएगा, नाम और के जो जो आपके केवाईसी अपडेट है यहाँ मेंबर प्रोफाइल में दिखाएगा। ऊपर ये टैब आ रहे होंगे होम का, व्यू का, मैनेज का, अकाउंट्स का, ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज का। आपको मैनेज में जाना है, मैनेज पे जाके केवाईसी बटन पे क्लिक करना है। केवाईसी टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एक विंडो खुल जाएगी, उसमें आपको यहाँ पर बैंक आ रहा होगा, पैन आ रहा होगा, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन कार्ड। आपको अगर पीएफ ऑनलाइन विड्रॉल करना है और या पीएफ की ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का यूज़ करना है तो इसके लिए आपका बैंक अकाउंट, पैन नंबर और आधार नंबर, ये तीनों चीज़ें केवाईसी में अपडेटेड होनी चाहिए। यहाँ आप नीचे देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें इसमें अपडेटेड हैं, लेकिन अगर आपको जैसे आपका पहले बैंक अकाउंट डला हुआ है, आपको बैंक अकाउंट अपडेट करना है या नया बैंक अकाउंट ऐड करना है या कोई चेंजेस करने हैं, करेक्शन करनी है, तो आप यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को बैंक अपना बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करना है, तो बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा बैंक अकाउंट नंबर पे, और आपको अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि बैंक अकाउंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर होगा आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर हो गया आपका जी डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको अपना इस पर नाम डालना पड़ेगा, जो आपका नाम आपके बैंक में हो। आपने अपना नाम डालने के बाद आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। आप ये अपनी डिटेल ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये डिटेल आप फिर इसके बाद आपको ये सेव बटन पे क्लिक करना होगा, आपकी डिटेल्स सेव्ड हो जाएंगी। जैसे ये सेव हो जाएंगी ये आपके अभी सेव में नीचे दिखाएगा, एक मिनट टाइम ले रहा है जैसे सेव होने में, एक कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है। जैसे ये सेव हो जाएगा ये डाटा आपके सेव हो जाएगा, ये आपका डाटा नीचे सेव हो गया है, ये यहाँ पे नीचे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल्स में दिखाएगा, ये केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल्स में है। अब ये आपके कंपनी के जो आपका एम्प्लायर है, जो जिस कंपनी के साथ आपका पीएफ है उसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा, उससे बात करके आप इसको जल्दी से जल्दी अपने केवाईसी को अपडेट करा लीजिएगा। इसी तरह अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, टीएल, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, किस कोई भी
कुछ भी इन चीज़ों में से अपडेट कर सकते हैं और अपनी KYC अपडेट्स कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग।